दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक्सिस बैंक है तो शायद ही आपके पास क्रेडिट कार्ड जरूर होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आपके जो क्रेडिट कार्ड का जितने भी लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना मोबाइल ऐप जो रहता है एक्सिस बैंक का, उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए एक्सिस बैंक, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप यूज़र नहीं हो मोबाइल बैंकिंग का तो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का एक जो आप जैसे आपको ओपन करते हो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका एम पिन जो भी सेट किया हुआ है एम पिन टाइप करना है। तो चलिए मेरा एम पिन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो होम पेज है, जो डैशबोर्ड है, वो खुल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है वो थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर कुछ भी मिस कर दिया तो आप नहीं इंक्रीज कर पाओगे अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे मिलता है सर्विस एंड सपोर्ट। ठीक है, आप सर्विस एंड सपोर्ट को क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप सर्विस एंड सपोर्ट को क्लिक करते हो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके फोर्थ नंबर पर आपको मिलेगा लिमिट इंक्रीज, क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट जो है आपको यहाँ को देखने को मिलता है। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट कर देना है। और दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगर आपका लिमिट इंक्रीज हुआ है, अगर आप एलिजिबल हो इंक्रीज करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑफर मैसेज, डियर कस्टमर एक्सिस में ऑफर फॉर यू इंक्रीज क्रेडिट लिमिट ऑफ रेस 55,000 ऑन योर क्रेडिट कार्ड 5518, जो मेरा लास्ट क्रेडिट कार्ड का नंबर है। उसके बाद यहाँ आपको वैलिड दिया है, मेरा जो वैलिड है 02। ठीक है, उसके बाद 112018। ठीक है, ये जो लास्ट डेट दिया है उसके अंदर ही मुझे ये प्रोसेस कर लेना है, तभी मेरा जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन जो भी, उसको एग्री कर देना है और कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एम पिन मारना है। तो जैसे आप यहाँ पे एम पिन मारते हो, एम पिन मारने के साथ साथ ही जो कि आपका जो लिमिट है, जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पे मेरा और इंक्रीज हो जाएगा, मुझे इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने जो भी क्रेडिट कार्ड रहता है आपका, तो वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से इंक्रीज कर सकती हो। ठीक है, अगर उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी एक्सिस बैंक के बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।